एक गांव में केशव, राघव और भोले नाम के तीन भाई रहते थे। इन तीनों में केशव सबसे बड़ा और राघव मझला भाई था। ये दोनों सगे भाई थे और भोला उनका छोटा सौतेला भाई था। केशव और राघव दोनों मालिक की तरह रहते थे और भोला से घर और खेती का सारा काम करवाते थे। दोनों भाई भोला से नफरत करते थे और उसे बहुत सताते थे। भोलवा काम चोर, चल जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी खेती का काम भी निपटाना है। खाने में सबसे आगे और काम करने में तेरी नानी मर जाती है। भैया चिंता मत करो, सारे काम पूरे कर दूंगा। सिर्फ मुंह से ही पूरा कर देगा, जल्दी जल्दी हाथ चला, कल की पिटाई भूल गया क्या? कर रहा हूँ भैया, कर रहा हूँ। एक दिन दोनों भाई भोला को साथ लेकर जंगल में चले गए। आज हम लोग इस शानदार जंगल में मंगल मनाएंगे, भोलवा बाटी चोखा बनाएगा और हम तीनों मिलकर खाएंगे। बड़े भैया, सुना है इस जंगल में शेर भी रहते हैं। तो क्या हुआ, हम किसी शेर से नहीं डरते, अगर शेर हमारे सामने आ गया तो मारा जाएगा। भोला तू एक नंबर का डरपोक है। इतने में शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। शेर की आवाज है, अब क्या होगा? अरे राघव तू डरना नहीं, मेरे पास आ जा। भोला तू उस पेड़ के पीछे छुप जा। इतने में उन्हें एक बड़ा बब्बर शेर दिखाई दिया। केशव और राघव मौका ताड़ कर भोला को जंगल में अकेला छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गए। भोला को अकेला देखकर शेर उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। भोला मन ही मन सोचने लगा कि यह शेर अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं, इन दोनों जल्लादों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं शेर का निवाला बन जाऊं। शेर धीरे धीरे भोला के पास आने लगा। भोला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। इतने में उसे शेर की कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ देर बाद भोला ने अपनी आंखें खोली और देखा कि शेर उसके पास खड़ा है। उसके हाथ पांव फूल गए। इसके बाद उसने ध्यान से देखा कि शेर जख्मी है। शेर महाराज आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। भोला शेर के जख्म पर जड़ी बूटी लगाने लगा, शेर को सहलाने लगा। शेर को दर्द से राहत मिलने लगी। जानवर भी प्यार और अपनेपन की अनुभूति पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ही देर में भोला और शेर दोस्त बन गए। हे मनुष्य, मैंने सुना था कि मनुष्य जानवरों के दुश्मन होते हैं, लेकिन तुमने मेरी सोच को आज बदल दिया। तुमने मेरे घाव पर दवा लगाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। शेर भैया, मैंने किसी लालचवश आपकी सहायता नहीं की है, तुम ठीक हो जाओ, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शेर ने मुंह खोला और बहुत सारे सोने के सिक्के गिरने लगे। मेरे प्यारे दोस्त, ये सारे सिक्के तुम्हारे हुए, जब भी जंगल में आना मुझे एक आवाज दे देना, तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। भोला शेर से विदा लेकर सोने के ढेर सारे सिक्के लेकर घर पहुंच गया। उसे जीवित देखकर दोनों सौतेले भाई आश्चर्य में पड़ गए। भोला ने उन दोनों की नजर बचाकर सोने के सिक्के वाली थैली एक जगह छुपा कर रख दिया। राघव को कुछ शंका हो गई थी। रात हो गई। राघव ने चुपके से जाकर भोला के बक्से खोलकर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने वो सारे सोने के सिक्के चुरा लिए। सवेरे भोला ने अपना बक्सा खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के नहीं थे। भोला बेचारा उदास हो गया। केशव ने जब उससे पूछा तो उसने जंगल के सुनहरे शेर के द्वारा सोना देने के बाद उससे बता दी। भोला हमें भी उस सुनहरे शेर से मिलवाओ, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। ठीक है भैया, हम आपको जंगल में सुनहरे शेर से अवश्य मिलाएंगे। कुछ देर के बाद राघव और केशव भोला को साथ लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। वे अब घने जंगल में पहुंच चुके थे। उन्हें अचानक शेर की गरजने की आवाज सुनाई पड़ी। अरे बाप रे, इस शेर की आवाज तो बड़ी भयानक है,
चलो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। भैया मैं तो पहले से ही पेड़ पर चढ़ चुका हूँ, आप भी आ जाइए। भोला शेर के पास जाएगा, ढेर सारा सोना लेकर आएगा। भोलवा जा, आगे जा। केशव पेड़ पर चढ़ने ही जा रहा था कि शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो डर के मारे कांपने लगा।